गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास बेटे, आज हम लोग आपकी जो नई बुक है इंडियन इकोनॉमी उसका फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इट मींस 1947 व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, जब भारत स्वतंत्र हुआ बेटे 15 अगस्त 1947 को, तब इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन क्या थी। इंडियन इकोनॉमी के अंदर बेटे बेसिकली क्या सिचुएशन थी, कौन सा सेक्टर किस तरह से क्या पोजीशन थी सेक्टर की, उसके बारे में ही बेटे आज के टॉपिक के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले बेटा कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन क्या होता है, एक देश का उपनिवेशवाद के रूप में शोषण करना। अब इसकी मैंने प्रॉपर डेफिनेशन आपके लिए लिखी है, एक्सप्लोइटेशन कॉलोनियलिज्म इज द नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी। जो बेटे बेसिकली कॉलोनियलिज्म है बेटे, वो बेसिकली क्या है, एक आर्थिक नीति है नेशनल लेवल पर, जहां पर बेटे एक देश क्या करता है, दूसरे देश की पॉपुलेशन का एज ए लेबर और उसके नेचुरल रिसोर्सेज का ऐसे रॉ मटेरियल यूज करके अपनी कंट्री की डेवलपमेंट करता है। तो देखो बेटे यहाँ पर एक्सप्लोइटेशन कॉलोनियलिज्म इज द नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, एक राष्ट्रीय आर्थिक नीति है ऑफ कन्वेरिंग ए कंट्री, एक देश को जीतती है कैसे, एक्सप्लॉइट करके उसकी पॉपुलेशन का एज ए लेबर, ठीक है, एंड नेचुरल रिसोर्सेज एज ए रॉ मटेरियल, और उस देश के प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करती है ऐसे नेचुरल, जो नेचुरल रिसोर्सेज देश में अवेलेबल है उसका अपने देश की डेवलपमेंट के लिए एज ए रॉ मटेरियल यूज करती है। सेम ऐसा ही बच्चों हमारी इंडियन इकोनॉमी के साथ हुआ ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि बेटे वहां पर जो ब्रिटिशर्स थे बेटे उस टाइम वो क्या कर रहे थे, स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता तो 1947 में मिली है, ठीक है ना, 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता मिली है, तो बेटे उस समय यानी कि जब स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे तो उस समय बेटे हमारी इकोनॉमी का ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, एक्सप्लोइटेशन कर रहे थे, हमारी पॉपुलेशन का एज ए लेबर यूज कर रहे थे और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं बेटे उनका भी पूरी तरह से एज ए रॉ मटेरियल ब्रिटिशर्स अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए यूज कर रहे थे। तो बेटा ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर दिया। तो क्या क्या इफेक्ट आए कि कैसे कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन हुआ हमारी इंडियन इकोनॉमी का, फर्स्ट सेक्टर है बच्चों यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर। आप सबको पता है बेटे बेसिकली ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 72.7% यानी कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 72.7% पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। लेकिन फिर भी बेटा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसका पूरी तरह से उपनिवेशवाद के रूप में कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन हुआ। क्यों हुआ, उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है बच्चों जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम क्या था, इट्स द सिंगुलर रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट जमींदार एंड टीलर ऑफ द सोइल, टेलर ऑफ द सोयल। अभी समझाती हूँ बच्चों इसको मैं, देखो यहाँ पर बेटे जो ये तीन बेसिकली लोग हैं, एक तो स्टेट माने ब्रिटिश गवर्नमेंट, जमींदार जो क्या है बच्चों एक्चुअल ओनर है सोयल के, और टीलर ऑफ द सोयल क्या होता है, भूमि को जोतने वाले किसान जिनकी जमीन अपनी नहीं है, जिनकी ओनरशिप की जमीनों पर ओनरशिप किसकी है बेटा, जमींदारों की। अब देखो बेटे होता क्या था, अंडर द जमींदारी सिस्टम गवर्नमेंट फिक्स द रिवेन्यू, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बेटा एक रिवेन्यू, एक लगान, एक इनकम सोर्स फिक्स कर रखा था जो जमींदारों को स्टेट यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ता था, ठीक है। और बेटा इसके लिए जमींदार क्या करते थे, जो टीलर ऑफ द सोयल हैं उनका पूरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन करते थे। टीलर ऑफ द सोयल कौन है बेटे, हु एक्चुअली कल्टिवेट द लैंड, जो वास्तव में जमीन पर खेती करते थे, बट दीज आर नॉट द ओनर ऑफ द सोयल, वो किसी भी तरह से जमीन के मालिक नहीं थे बेटा, वो पूरी तरह से क्या करते थे अपने ही, अगर हम बात करें बच्चों तो वहाँ पर वो क्या कर रहे थे, अपने खेतों में भूमि किसानों को काम देते थे, उनका पूरी तरह से शोषण करते थे, क्योंकि जमींदारी सिस्टम के अकॉर्डिंग जमींदारों को एक फिक्स्ड अमाउंट गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करानी थी एंड दे आर फ्री एज मच एज दे एक्सपेक्ट, और वो पूरी तरह से आजाद थे, जितना चाहे टीलर ऑफ द सोयल का शोषण कर सकते थे, जो मतलब भूमि पर खेती करते थे उनसे जितना चाहे काम करवा सकते थे, उनके पास बेटे इतना नहीं होता था टीलर द
गंगा सोयल के पास कि बेसिकली भूमि जोतने वाले किसानों के पास बहुत कम बचता था, उनके पास इतना नहीं था कि वो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट कर सके। तो जो मैक्सिमम बचता किसके पास था, जमींदारों के पास। ये इसको क्या करते थे, दे स्पेंट लेविशली, यानी कि फिजूल खर्ची खर्च करते थे, मतलब जो मतलब कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटीज नहीं करते थे, अपनी ऐशो आराम पर खर्च कर देते थे। तो इसलिए बेटा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन किसका हुआ, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का। पूरी तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कोई एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी तरह से डंप हो गया, वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। सेकेंड हम बात करते हैं बच्चों हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, हमारा औद्योगिक क्षेत्र। देखो बेटे इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, ब्रिटेन के अंदर बेटे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई, ठीक है ना। इंडियंस का ब्रिटेन जो मतलब बेसिकली ब्रिटिशर्स हैं उनका इंडिया के अंदर आना, और बेसिकली अगर हम बात करें वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आना ब्रिटेन में, वो एक ही समय की बात है। क्या बात बताई मैंने अभी कि बेसिकली इंडिया ब्रिटिश जो ब्रिटिशर्स थे उनका इंडिया में आना और ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, दोनों एक ही समय पर आए थे। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए उन्होंने देखा कि इंडिया क्या है, सोने की चिड़िया है, यहाँ पर तो इतने सारे रिसोर्सेज हैं, तो उन्होंने क्या किया अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए यहाँ से हर तरह से क्या कर दिया, हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन इंडियन हैंडीक्राफ्ट, जो हाथ से बनी हुई वस्तुएं थी बेटे उन पर बहुत ज़्यादा, उनके बेचने पर बहुत ज़्यादा, एक्सपोर्ट करने पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया, ठीक है। जिसके कारण बेटे ये वस्तुएं क्या हो गई, महंगी हो गई, इनका एक्सपोर्ट क्या हो गया, काफ़ी कम हो गया। आपको पता है बेटे हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट के डी के होता है पतन के, ख़त्म होने का कारण भी क्या था, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने धीरे धीरे क्या किया हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट को इतना महंगा बना दिया टैक्स लगा लगा कर कि आम आदमी इसको खरीद ही नहीं पा रहा था। तो धीरे धीरे इंडियन हैंडीक्राफ्ट क्या हो गया, ख़त्म हो गया। सेकेंड क्या था बच्चों, ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑन ब्रिटिश गुड, ब्रिटिशर्स बेटे जो वस्तु बनाते थे बेटा उन पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था, जिसके कारण बेटे हमारे इंडिया में बनी हुई हाथ से बनी हुई वस्तुएं जो मशीन मेड प्रोडक्ट होते थे बेटा ब्रिटेन कंपनी के, ठीक है ना, ब्रिटेन से आते थे, वो क्या होते थे बेटे काफ़ी सस्ते पड़ते थे और ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था, तो और ज़्यादा सस्ते हो जाते थे। तो इस तरह से बेटा हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन किया गया। अब हम बात करते हैं जो हमारा थर्ड सेक्टर, दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर क्या इफेक्ट है, फर्स्ट डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। ये डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी क्या थी बेटे, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ये थी बच्चों कि मान लो अगर इंडियंस को क्या करना है, इंडियंस को अपना कोई भी इंडियन प्रोडक्ट सेल करना है तो उस पर तो क्या लगा दिया, टैक्स, क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया। एक्सपोर्ट करनी है कोई भी चीज़ बनाकर ताकि वो वस्तु महंगी हो जाए और इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट ना कर पाए। और जबकि ब्रिटिशर्स के लिए बेटे इंडिया से जो रॉ मटेरियल ब्रिटेन में जा रहा था उसको पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया, और जो ब्रिटेन प्रोडक्ट वहाँ से फाइनल गुड्स के रूप में, फिनिश्ड गुड्स के रूप में इंडिया में आ रहे थे उन पर भी पूरी तरह से क्या कर दिया, टैक्स को हटा दिया। तो इंटरनेशनल लेवल पर भी अगर हम लोग बात करें बेटा हमारी इकोनॉमी का इंटरनेशनल ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, डिस्क्रिमिनेटरी, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है बेटे, भेदभाव पूर्वक नीति अपनाना कि इंडियन प्रोडक्ट जो बाहर एक्सपोर्ट करने हैं उन पर तो टैक्स लगा दिया, वो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए। और यहाँ पर बेटे क्या किया गया, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल बेटे इंडिया से ब्रिटेन में जा रहा था उस पर से टैक्स हटा दिया, और जो ब्रिटेन की बेटा इंडस्ट्रियल सेक्टर से बनी हुई वस्तुएं थी उन पर भी टैक्स क्या कर दिया, पूरी तरह से हटा दिया। तो ब्रिटेन प्रोडक्ट तो सस्ते हो गए, ठीक है, उनकी मार्केट का साइज तो क्या हो गया, बढ़ गया, नंबर ऑफ कंज्यूमर खरीदने लग गए। जब कोई भी प्रोडक्ट हमें सस्ता मिलेगा तो ऑब्वियसली बच्चों उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। साथ ही साथ क्या किया, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी यानी कि भेदभाव टक्कर नीति अपनाई कि इंडियंस प्रोडक्ट अगर आउटसाइड कंट्री बेचे जाएंगे तो उस पर टैक्स लगा दो ताकि उनकी वस्तुओं की जो डिमांड है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। और पूरी तरह से इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड का एक्सप्लोइटेशन किया गया। तो बेटे ये हमने पढ़ा कि हमारी इकोनॉमी का किस तरह से कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन हुआ। तो बेटे ये आपका फर्स्ट टॉपिक है बेटे, फर्स्ट चैप्टर का, इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो, कोई भी डाउट रह जाता है बेटे देन यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।